नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुलाब जो है, ये गुलाब की हम चाय बनाएंगे। तो ये गुलाब देसी गुलाब है और मेरे घर में ही बहुत सारे गुलाब लगे हुए हैं। मैंने इसमें खुशबू आती है, तो एक गुलाब तो विदेशी होता है, उसमें खुशबू नहीं आती, तो वो उसकी चाय नहीं बनाना चाहिए। तो ये इसकी चाय हम आज बनाएंगे। तो ये मैंने एक कप लिया है, तो एक कप चाय बनाऊंगी, तो एक कप में ये आधे गुलाब की पत्तियां मैं डालूंगी। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसमें मैं एक कप पानी डाल रही हूँ। ये एक कप, और ये थोड़ा सा उबल के थोड़ा कम हो जाता है। अब ये पानी मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं ये आधा गुलाब है, इसको तोड़कर इसमें डाल रही हूँ। अब इसको ढक के थोड़ा 2-3 मिनट हम उबालेंगे। अब ये उबलते हुए 3 मिनट हो गए हैं और इसमें गुलाब का पूरा फ्लेवर आ गया है। ये पूरा फ्लेवर आ गया है गुलाब का। अब मैं इसमें 2 चम्मच मैंने दूध लिया है, ये डाल देती हूँ। अब ये और इसमें 1/2 चम्मच चीनी डालूँगी। 1 छोटा चम्मच भर के मैंने चीनी डाली। चीनी तो आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप बिना चीनी के चाय भी बना सकते हैं। तो ये जब उबल जाएगा, इसके बाद फिर मैं इसमें चाय की पत्ती डालूँगी। ये दूध डालने के बाद भी ये मेरा ये दूध उबल गया चाय में जो दूध डाला वो उबल गया है। और इसके बाद भी इसमें 2-3 मिनट तक मैंने उबाला है इसको। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच के करीब चीनी डाल रही हूँ। अब इसको एक उबाल आने के बाद मैं इसको गैस को बंद करके ढक देती हूँ। अब ये 1 मिनट हो गया है और चाय में अच्छा बढ़िया कलर आ गया है। अब मैं चाय को छान लेती हूँ। कभी कभी आपको स्वाद बदलना हो तो इस तरह से गुलाब की चाय बनाइए। एक तरह से ये हेल्दी चाय है और इस तरह से आप इसको बनाकर पी सकते हैं। तो यदि आपको मेरे गुलाब की चाय का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।